गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड करा था, अब क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ेंगे। स्पीड अप। क्वेश्चन नंबर फोर पे आइएगा। बेटा फोर बाद में देखेंगे, पहले चलो फोर क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एल एम एन एक फॉर्म में 3:2:1 में तीन पार्टनर है, क्या तीन पार्टनर है? एल एम एन और उनका रेशियो था 3:2:1। आगे लिखा है आपको उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में अपन देख लेंगे क्या क्या करना है। चलो हाथों देख लेते हैं। आपको बताया कि अपने को इस चैप्टर में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तीन पार्टनर थे एल एम एन और एक नया पार्टनर हुआ है एल एम एन और ओ। फिर आपको एक फॉर्म में क्या बनानी, बैलेंस शीट। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखा है क्रेडिटर, कोई मतलब नहीं है, जनरल रिजर्व इधर है, इधर वाला इधर, रिजर्व बैंक के डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। कितना है बेटा? 42,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो इस रेशियो मानूंगा तो आएगा 21,000, 14,000, 7,000। नेक्स्ट कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो गया बाय बैलेंस बीबी। 1,20,80,40, 1,20,000, 80,000, 40,000। और कह रहे हैं न्यू रेशियो है 2:1। ओ आने के बाद चार पार्टनर हो गए एल एम एन, उनका रेशियो दिया 2:1:1। अगले लिखा गुडविल ऑफ द फर्म वाज 1,80,000। कह रहा फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। फर्म की गुडविल 1,80,000 है, तो आपको पता है ओ आते वक्त अपने हिस्से की ओ का हिस्सा कितना है? 2, 4, 5, 6, 1/6। तो 1,80,000 में ओ का हिस्सा 1/6, मतलब 30,000 रुपये गुडविल लाएगा। और लाके किसको देगा? जिसने सेक्रीफाइस किया। अब मुझे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला सब बच्चों को बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो सेक्रीफाइस कौन करेगा, या तो एल या एम या एन। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 2/6, 1/6। तो इसका मतलब 0, 0। इन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? L, मतलब 1/6 का 1/6 ये जो O को मिला है ये सारा L से मिला है। इसका मतलब L गुडविल के ये जो O 30,000 रुपए लाके देगा ये सिर्फ L को देगा, मतलब सैक्रिफाइस L ने करा, तो L को मिलेगी 30,000 रुपए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैं हाथों हाथ O ने आके गुडविल के 30,000 रुपए L को दिए, इससे L की कैपिटल बढ़ेगी कितने रुपए से? 30,000 रुपए। और किस चीज का पैसा मिलेगा? वर्क क्या लिखेंगे अपन? बाय गुडविल। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000। देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 60,000 कह रहा है, उसकी वैल्यू 36 है, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट को 24,000 से कम करना है। वैसे को कम करना है, ये हमारा लॉस है, घाटा है, यहां लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए से कम करना है? 24,000 से। अब पहले 60 था, 24 से कम हो गया, अब 36,000 रुपए आएगा इन्वेस्टमेंट 36। नेक्स्ट मशीन को 58,000 तक क्या लिखा देखना इंग्लिश में, मशीन विल बी रिड्यूस टू, टू का मतलब होता तक। कह रहा मशीन को 58,000 तक कम करना। देखो मशीन की वैल्यू 70 की, 58 तक कम करना, मतलब मशीन को 12,000 से कम करना है। कैसे को कम करना है? हमारा लॉस हुआ टू मशीन 12,000। अब नई वाली बैलेंस में पहले मशीन 60 थी, अपन ने 12 से कम कर दी, तो मशीन 58 आएगी।
Next. A creditor of 6,000 was not likely to arise. Creditor के 6,000 रुपए नहीं arise होंगे, मतलब creditor को 6,000 कम देने पड़ेंगे, कम करना है, एक liability को कम करना हमारा फायदा हो गया. By creditor 6,000. अब नई वाली balance में पहले creditor कितने थे बेटा? 168. उसमें से 6 चले गए 162. Next. O will be proportionate capital, मतलब O की capital आपको दी हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं दी हुई है और आपको उसकी capital निकालनी है. ये second adjustment होगी, निकालेंगे बाद में. So as to give 1/6 share, कह रहा हूँ 1/6 के लिए आया, बिल्कुल मेरे को पहले से ही पता था. Next देखें, provision for doubtful debt to be maintained at 5%. देखो पहले ऊपर balance में debtor कितने हैं? 40,000 रुपए. 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपए, मतलब provision बनाना 2,000. Provision liability है, लाइब्रेरी बढ़ रही है 2PBDD 2000. अब नई वाली बैलेंस में डेटर कितना आएगा? डेटर पहले 40 था, उसमें से प्रोविजन 2000 माइनस हो जाएगा, मतलब डेटर बचे 38,000. नेक्स्ट, अभी एक और लाइन है और कह रहा है प्रोविजन और बनाना डेटर पे डिस्काउंट के लिए. कितने परसेंट बनाना? 2%. डेटर कितने आप? 38 का 2% 760. तो एक 760 का और एक प्रोविजन बनाना, एक लाइब्रेरी बढ़ रही है, यहाँ लिखूंगा 2. इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. कितने रुपए का प्रोविजन है? 760. अगली वाली बैलेंस शीट में ये प्रोविजन माइनस हो जाएगा डेटर में से, तो बचेगा 37,240. नेक्स्ट, बस खत्म हो गया. चलिए अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करते हैं. पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं. इधर की टोटल में सी माइनस के बेटा इधर बचा 32,760, मतलब इस साल हमको रिवॉल्यूशन पे लॉस हुआ. ये लॉस तीनों आपस में बांट लेंगे एलएमएन 3:2:1. हाँ ओके, 3:2:1 में बांटना स्टार्ट करो. इसको कितना आता है देखो, 3:2:1 में बांटोगे तो ये आएगा 16,000 और 700 का 350 380, और ये आ जाएगा आपका 6 तो भाग देंगे 5,000 5×30 27, 27 में 5×25 6×26 11,000 ये मैंने 3:2:1 में मान लिया. अब आपको पता है लॉस मिलने से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी. मैंने यहाँ लिखा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,380 10,920 5,460. अब आप लोग जानते हैं इस अकाउंट में एक ही दिक्कत है, ओ की कैपिटल नहीं आई. अब हमें वो निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ. देखें सर को कैसे निकालना है, मैंने सेकंड एडजस्टमेंट में बताया था आपको. सबसे पहले आपको क्या निकालिए, कैलकुलेट टोटल फॉर्म कैपिटल. टोटल फॉर्म कैपिटल के लिए मैंने क्या बोला, किसके हिसाब से निकालना है? नए की कैपिटल नहीं थी, मतलब पुरानों की कैपिटल से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर्स से कैसे निकालेंगे, पहले एल की कैपिटल देखो. टोटल फॉर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं,
पुराने वाले पार्टनर से आपको फॉर्मूला बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। पहले बताओ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ओल्ड पार्टनर का मतलब LMN की, LMN की कैपिटल कितनी है, L की कैपिटल ये नहीं लेनी है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद लिखाया था आपको 120, 150, 170, 170 में चला गया 165,000, 65 में से 10 गए 55, 55 में से 6 गए 150, 148,620, 148,620, M की 80, 10,14 चला गया 80 में 7,908, तो इसका 7 चला गया 40 में से चला गया 39,540, इसमें से माइनस किया, ये आ गई इनकी कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एक काम करो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल मान लो, 0, 8, 12, 14, 16, 26, 27, 28, 16, 10, 26, तो ये आई 267,240 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर। देखो एल ओ एम एन एन का शेयर भी कौन सा रहना नहीं फॉर्म वाला, इसका शेयर है 2, 2, 4, 5, 6, 2 by 6, 2 by 6, 1 by 6, तो अपन ने इसको ऐड किया तो आया 5 by 6, तो पीछे बच गए 17, 2, 22, 5 × 20, फिर 24, 5 × 20, 40, 8 इंटू 6 कर देना जो भी आंसर आएगा, 8, 6, 48, 4 चचो के 24, 4, 28, 2, 2, 5, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 2, 36, 2, 32, 2, ये आई टोटल फॉर्म कर। अब हमें क्या चाहिए ओ की कैपिटल, ओ कैसे निकालेंगे, स्टेप से नोस कैपिटल, ओ की कैपिटल बताओ, ओ पूरे फर्म की कितना आएगा अपना हिस्सा लगेगा, 3,20,600, तो ओ आते हुए कैपिटल लेके आएगा बाय बैंक या कैश, इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। अब आपको इधर की टोटल में सी माइनस करना है, ये आ जाएगा बैलेंस ही, ये आएगा 148,620, 7,908, 0, 5,39,540, 5,34,48। अब सेकंड का बैलेंस कम में जाएगा किस नाम से, कैपिटल के नाम से, कैपिटल एल एम एन ओ, इन चारों को यहाँ लिख के टोटल मारो क्या आएगी 3,20,688। अब पुराने बैलेंस आपको पता ही मैच कर दी, ये आप लोग करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त, तो इसको कंप्लीट कर लेना, आप लोगों को बताया हुआ है। हैव अ नाइस डे।